अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। तभी मनीष ने कुछ आवाज सुनी। उसने देखा कि मोना चुड़ैल चुलबुल को लेकर कहीं जा रही है। ये क्या, ये चुड़ैल मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रही है? पूर्णिमा और मनीष दोनों उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के मोना और चुलबुल वही कब्रिस्तान में एक बड़ा सा पानी का बर्तन रखकर बैठ जाते हैं और कोई तंत्र मंत्र करने लगते हैं। अरे ये चुड़ैल मेरी बेटी से क्या करा रही है, मैं इसे अभी रोकती हूँ। नहीं पूर्णिमा रुक जाओ, मुझे देखने दो कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। मनीष ध्यान से सब कुछ देखता है और पूर्णिमा को लेकर घर आ जाता है। अरे ये क्या, आप मुझे घर क्यों ले आए हैं, वहाँ हमारी बेटी अकेली है। नहीं पूर्णिमा, हमारी बेटी वहाँ नहीं है, वो कोई और है। क्या, ये आप क्या बोल रहे हैं, ये भला कैसे हो सकता है, मैंने उसे देखा, वो हमारी ही बेटी तो थी। मैंने ध्यान से देखा था, वो लड़की जो वहाँ चुलबुल बनकर बैठी थी उसकी परछाई उस पानी के बर्तन में दिख रही थी और वो बहुत काली परछाई थी। वो हमारी बेटी नहीं हो सकती है, जरूर वो कोई और है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। कल तक का इंतजार करो, कल तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, सब्र रखो। इतना कहकर मनीष और पूर्णिमा दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन मनीष एक बहुत बड़े साधु बाबा को घर लेकर आता है और सारी बातें बताता है। मैं सब समझ गया हूँ, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है और वो अकेली नहीं है, वो काला साया और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी है और वो अपनी बेटी को फिर से जिंदा करना चाहती है। इसके लिए उसने तुम्हारी बेटी के शरीर का सहारा लिया है, वो रोज अपनी काली पूजा कर रही है ताकि वो धीरे धीरे तुम्हारी बेटी की आत्मा को कमजोर कर सके और उसके शरीर पे कब्जा कर सके। तो अब हम क्या करें बाबा, हमें कोई रास्ता बताइए ताकि हम अपनी बेटी को बचा सके। उस चुड़ैल ने तुम्हारी बेटी की आत्मा को एक बोतल में कैद कर लिया है और तुम्हें जाके उसे वहाँ से निकालना होगा। जैसे ही तुम्हारी बेटी की आत्मा आजाद हो जाएगी वो वापस अपने शरीर में आ जाएगी।